मेंढर वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम नमस्कार। मेरे साथ भाजपा के जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता श्रीमान सत शर्मा जी आए हैं। सत शर्मा जी खड़े हो जाइए आप। और आज मंच पर जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इस सबको नमस्कार करते हुए मैं सबसे पहले मेंढर वालों को कहना चाहता हूं कि आज मेंढर में मैं मेरे दोस्त मुर्तुजा खान को जिताने के लिए यहां आया हूं। जब मैं देश का गृह मंत्री बना, सबसे पहला डेलीगेशन इस पहाड़ियों से अगर मेरे पास आया तो मुर्तुजा भाई लेकर आए थे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन। तब मैंने उसको हंसी मजाक में ही कहा था कि रिजर्वेशन तो हमें देना ही देना है, परंतु आप क्या भाजपा से चुनाव लड़ोगे? उन्होंने कहा, जनाब आप सभा करने आएंगे तो लड़ूंगा। वो लड़ भी रहे हैं और आज मैं सभा करने के लिए भी आया हूं। भाइयों बहनों, मैं गुजरात में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरे जीवन में सोच नहीं सकता था कि मेंढर में आकर एलओसी से 2 किलोमीटर दूर मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों के सामने मैं भाषण दूंगा। आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि मैं मेंढर हूं। इन्हीं पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फखर करता है, नाच करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली। और मैं आज मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। भाइयों बहनों, मुर्तुजा जी ने मुझे जितनी भी बार फोन किया, जितनी भी बार मिले, एक भी बार खुद की बात नहीं करी। उन्होंने पहाड़ी समुदाय, गुर्जर समुदाय, यहाँ के पिछड़े वर्ग की बात कर आपके दिक्कत भरे जीवन के लिए काम करने की मांग की। और मैं आज अपील करने आया हूं मेंढर के मतदाताओं को कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरे साथ जुड़ने का सबसे पुख्ता रास्ता हमारा मुर्तुजा खान है, उसको मजबूत कर दीजिए। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुक्ति परिवार और नेहरू गांधी परिवार, वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं,
अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना आती तो मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या, जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता, वो तो अपने तीन परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी है भारतीय जनता पार्टी और मुर्तजा भाई जैसे लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए संघर्ष किया और आज कश्मीर का 30,000 युवा जम्मू कश्मीर का अलग अलग जगह पे चुनाव लड़कर जमहूरियत का आनंद ले रहा है, अधिकार भोग रहा है। और मैं आपको बता कर जाता हूं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम अगर आएंगे तो ये सारी बातों पर पुनर्विचार करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये पहाड़ के लोगों को अपने पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अधिकार है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ब्लॉक पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? जिला पंचायत चुनने का अधिकार है या नहीं है? कौन रोक रहा था? ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी रोक कर रखी थी, इसको जमीन पर उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उतारा। नरेंद्र मोदी ये पूरे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से अब तक 2014 तक दहशतगर्दी फैलाई, 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका, नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं आज कहकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। भाई और बहनों, हमने यहां पर तीन परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल पहाड़, घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं रहे। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का था। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक को 5,00,000 तक का इलाज मुफ्त कराया है। सबका कराया है या नहीं कराया है? जोर से बोलो, कराया है या नहीं कराया है? तो ये इतने साल शासन किए, 70 साल तक 5,00,000 का इलाज मुफ्त किया था क्या? किया था क्या? अब मोदी जी ने कहा है घर में एक बुजुर्ग है तो 5,00,000 की जगह 10,00,000 का इलाज मुफ्त कराने का काम करेंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 500 की आबादी वाले गांवों के लिए थी पक्की सड़क जोड़ने की,
अब मोदी जी ने कहा है जहां 50 की आबादी है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे, पक्की सड़क। इसका सबसे बड़ा, इससे सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को होने वाला है भाइयों बहनों। और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का। मैं बिल पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया, वो न्यायाधीश इनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया, यहाँ गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कह कर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, हमने ये वादे को पूरा किया। पहले हमारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी नौकरी ढूंढते थे तो प्यून की नौकरी ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते थे। आज मैं बताता हूं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनकर, कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में काम करें, इनको भी मेडिकल में दाखला मिलेगा, उनको भी इंजीनियरिंग का दाखला मिलेगा, ये भी आईआईएम में जाएंगे। भाइयों बहनों, ये अधिकार जो भारत के संविधान ने आपको दिया है वो फारूक साहब, मुक्ति बहन, ये सब रोक कर बैठे। नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को लगाया, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन पर पुनर्विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनर्विचार हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? अरे चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जाने, आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती आपसे, कोई ताकत नहीं। भाइयों बहनों, एक क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है, मैं बताना बाद में बताऊंगा, मगर बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मुर्तुजा भाई ने अभी भाषण में बताई। यहाँ पर विंटर कैंप कलेक्टर डीडीओ ऑफिस आप मानकर चलना, ये सर्दियों में ही हम खोलने का काम कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं। आपका पीने का पानी, अस्पताल और बच्चों के स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के, ये सब मेंढर में कम से कम अंतर में उपलब्ध हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, इन लोगों ने कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम प्रमोशन में भी गुर्जर बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लाल, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा ये झंडा लाल है क्योंकि यहाँ दहशत गर्दी। भाइयों बहनों, दहशत गर्दी किसी के भी भले में होती है क्या? मुझे बताओ जरा, किसी के भी भले में होती है? हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ा कर अब क्या करना चाहते? इनके हाथ में बंदूक नहीं चाहिए, इनके हाथ में हम बंदूक जरूर देंगे, हम भी बंदूक देंगे हमारे पहाड़ी भाइयों के हाथ में, मगर पुलिस और सेना में भर्ती कर देंगे, सीआरपीएफ में भर्ती। इस सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों के विशिष्ट प्रकार के भर्ती के कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी युवा सेना और सुरक्षा बलों में आए, इसकी चिंता हम करेंगे। हमने
मेंढर जिले में एक अस्पताल बनाया है, ओपीडी का ब्लॉक भी बनाया है, उप जिला अस्पताल में यहाँ पर सर्जरी की शुरुआत भी की है, डाक बंगला मेंढर में एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है, सारे मेंढर के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ऊर्जा से स्ट्रीट लाइटों का निर्माण किया है और गोलीबारी के बचाव के लिए हम अधिक बंकर भी बनाएंगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको? बड़ी उम्र के बुजुर्ग है, याद है या नहीं है? अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहाँ के आका जो थे ना, वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम हमारा एक संकल्प पत्र लेकर आए हैं, आज दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आप सब आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी, 18,000 रुपये का चेक सीधा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। यहाँ पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई को। कृषि के बिजली बिल जो है उसकी दर 50% हम कर देंगे, 50% कृषि बिजली दरों की 50% कटौती कर देंगे, और 500 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। जन्नू में मेट्रो लगाएंगे, तभी में रिवर फ्रंट बनाएंगे, और यहाँ पर पूंछ रजौरी की पहाड़ियों में पहलगांव जैसा ही एक नया पर्यटन का शहर बनाकर यहाँ पर मेंढर पूंछ रजौरी में पर्यटन को बढ़ाया। भाइयों बहनों, 70 साल तक इन्होंने जम्मू के इस इलाके को अन्याय किया है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, दुनिया भर का पर्यटन अगर मेंढर पूंछ रजौरी डोडा में ना आया तो आप कहना कि अमित भाई आप सच नहीं बोलते हो। यहाँ पर पर्यटन का बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने अग्निवीर जो होंगे इसको 20% कोटा देंगे, और 5,00,000 सरकारी नौकरियां यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हमारा मेंढर है, हायर सेकेंडरी SSC तक पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, जिससे घर पे बैठकर वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। ये हर बच्चे को लैपटॉप देने का। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे, जम्मू में IT हब बनाएंगे, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब बनाएंगे, और यहाँ पर 2 या 3 बड़े पर्यटन के पहलगांव जैसे शहर बनाकर हम टूरिस्टों को आकर्षित करने का काम। पूरे पहाड़ पर गरीबों को आवास की जो योजना है उसमें 5 मरला जमीन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी, और SC ST के आरक्षण को 2 कदम आगे बढ़ाकर उनका प्रमोशन भी करेंगे। ये दिन दूर नहीं है कि मेरे पहाड़ी समाज से कोई व्यक्ति
जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बने, ऐसे दिन बहुत कम समय के अंदर आएंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत पूरे देश भर में सबके विकास का एक अभियान चालू किया। मैं मेंढर को कहने आया कि एक बार कमल निशान पर बटन दबाइए, मुर्तुजा भाई पर भरोसा करिए और मोदी जी को मेंढर के विकास का मौका दीजिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे आवाज नहीं चलती, फारूक अब्दुल्ला तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? मुर्तुजा भाई को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? भाजपा को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ बोलिए, हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है और भाजपा के साथ है। भाइयों बहनों, आप आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, कल से लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि सभा तो घोषित हो ही है, अमित भाई नहीं जाएंगे। मैं आज एक दूसरी बात कर जाता हूँ। मुर्तुजा खान को, मुर्तुजा जी को आप असेंबली में भेज दीजिए, मैं मेंढर में ये पूरी रात आप लोगों के बीच में रहने जरूर आऊंगा आपकी तकलीफ में। तो मतदान के दिन सभी लोग कमल का निशान और मुर्तुजा भाई को याद रखकर कमल के निशान पर बटन दबाइए, यही मेरी आप सबसे विनती है। इतने दूर दूर से गाड़ियों में पहाड़ियों से इतनी तकलीफ लेकर आए हैं और मुझे आप लोगों को देखने का मौका मिला, इसलिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।